नंबर सिस्टम, ठीक है। चलिए तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो ये कि मुझे बेसिक कुछ नहीं सिखाना पहले, ठीक, कुछ है ही नहीं बेसिक। जो सब टॉपिक्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन थे वहां जगह जगह आपको बेसिक सिखा दिया गया। सिंप्लीफिकेशन पढ़ाते समय जहां जिस क्वेश्चन में कुछ नई बात थी वो आपको सिखा दी गई। इसी तरह से नंबर सिस्टम में पहले से कुछ नहीं लिखवाना है। इसी टाइप का क्वेश्चन, कोई बात, कोई लॉजिक कहीं आएगा तो वहां पर उस पर एडिशनली बात कर ली जाएगी, ठीक। इसी पैटर्न पर हम लोग अभी चलेंगे नंबर सिस्टम पर, क्योंकि नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक है, एक बार बेसिक चलता है वो फिर पूरे तीनों चरणों चलता रहता है। अब नंबर सिस्टम की ओवरऑल भूमिका क्या है? नंबर सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन, जो इंडिविजुअल क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं वो तो खूब आते हैं, वो तो आपको करने ही करने। लेकिन उसके बाद नंबर सिस्टम आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करना सिखाता है। सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन के लिए जो एक्सप्रेशन था वो ऑलरेडी लिखा हुआ था और उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, लेकिन नंबर सिस्टम में वो एक्सप्रेशन या वो इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी, फिर सिंप्लीफाई करें तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम करना सिखाता है। हमारे बहुत सारे पैटर्न, जिस तरह मैं क्वेश्चन करवाना चाहता हूं अर्थमेटिक के, वो भी नंबर सिस्टम के थ्रू ही हम सिखा पाते हैं। इसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में वैल्यूज को अज्यूम करना, लैंग्वेज को समझना, ये सब वर्ड नंबर सिस्टम सीखता है, सिखाता है। तो नंबर सिस्टम को एक टॉपिक न मान करके एक सिलेबस का पार्ट मानिएगा कि पूरा मैथ है, अर्थमेटिक है ये, मतलब ये टॉपिक अर्थमेटिक तैयार कराएगा आपको। समय लगेगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स करने में हमको पहली बार में सबको टाइम लगता है, तो डाउट्स भी बड़े सरल सरल से भी होंगे, टफ भी होंगे, वो सब तो चलता रहेगा, वो तो मतलब एडिशनल बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी तरह कितने बार भी रिवाइज करना पड़े, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, उनकी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करके आप उसको कॉपी पे प्लेन करना, ऑर्गेनाइज करना, ये अगर आप सीख जाते हैं तो आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको परसेंटेज बहुत रिलैक्स महसूस होगा, रेशियो के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी समझ पाएंगे अगर आपने नंबर सिस्टम समझा है। इवन देन पूरी मैथ में आप जगह जगह लैंग्वेज को बहुत आसानी समझ पाएंगे अगर आप नंबर सिस्टम के साथ मेहनत कर लिए। नहीं तो जिसने भी मान लीजिए नंबर सिस्टम के साथ मेहनत नहीं की, वो परसेंटेज में करता है वही काम। अच्छा, उस समय हमारा कंसंट्रेशन परसेंटेज को होता है, उस समय हमारा कंसंट्रेशन लैंग्वेज को नहीं हो सकता क्योंकि लैंग्वेज हम नंबर सिस्टम के साथ सिखा चुके होते हैं, ठीक है। तो सामने आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हमने पिछले टर्न पे बोला था कि आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, तो आई थिंक आपने अटेम्प्ट किया होगा। फिलहाल पहले क्वेश्चन की शुरुआत मैं कर देता हूं। एक संख्या, एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 5/13 गुणा करने के लिए कहा गया, उससे कहा गया कि 5/13 से मल्टीप्लाई करिएगा, लेकिन उसने 5/13 से भाग दे दिया। इस तरह गलत तथा सही उत्तर में 864 का अंतर पाया गया। इस तरह पाया गया कि गलत और सही के बीच 864 का डिफरेंस था। वह संख्या क्या थी? व्हाट वाज द नंबर? वह नंबर था क्या? ठीक, तो सबसे पहले आपको जो नाइन्थ और हाई स्कूल में सिखाया गया अर्थमेटिक में, वो आदत थोड़ी काम आती है, थोड़ी छोड़नी है। एडवांस में बेसिकली पूरी काम आती, छोड़नी पूरी होती है। एडवांस में हम उस आदत को मेंटेन करेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे अर्थमेटिक में। लेकिन अगर आपने अकेडमी के क्वेश्चंस किए होंगे तो उस समय लैंग्वेज को जैसे करते थे उनको कॉल अप करने से आपको थोड़ा हेल्प मिलती। जैसे यहां नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन को हमें करना होता तो हम कहते लेट नंबर इक्वल टू एक्स, ठीक। उससे कहा गया था कि नंबर का 5/13 से गुणा करना, उसे 5/13 से भाग दे दिया, तो उससे कहा गया था कि भाई ऐसा करना, इसे 5/13 से गुणा करना, तो एक्स इंटू 5/13, लेकिन उसे 5/13 से भाग दे दिया। इसका मतलब नंबर आपका आ गया 13/5। अंतर, अच्छा नेचुरली बात है 13/5 बड़ा होगा भाई अगर नंबर उस तरह से, तो इस कंडीशन में इसका डिफरेंस तो क्वेश्चन करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम यहां कंटिन्यू करें, तो आपका एक्स इंटू 13/5 माइनस एक्स इंटू 5/13 दैट्स इक्वल टू 864, सही है। बेसिकली हमने एलसीएम लिया कितना 65, 169x माइनस 25x बराबर 864, तो 144x दैट्स इक्वल टू 864 इंटू 65x बराबर
390 एग्जैक्ट ना, तो आपका आंसर है 390। आप बात समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत समस्या क्लियर? अगर यहां तक सारी बातें आप समझ रहे हैं तो एक नंबर को हमने एक्स माना, नंबर का आपने किया, नंबर को आपने 5/13 किया, इसके बाद इस तरह ऐसे करते हुए और ये सिचुएशन इस तरह बनी। तो ये एकेडमिक का तरीका, हम इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं। हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में लगे कि वो चीजें ठीक है, कोई बातें ऐसे कर लेते, लेकिन प्रोसेस सीखने से आपकी क्वेश्चन आसान हो। हम नंबर एज्यूम करना सीख रहे हैं, हम नंबर एज्यूम करेंगे, हम नंबर एक्स नहीं मानेंगे, और कभी अगर हमें एक्स मानना भी पड़ा, मजबूरी में वेरिएबल बाहर लाना पड़ा। एक्चुअली जो वेरिएबल होता है जब हम कॉन्स्टेंट में एज्यूम करते हैं तो वेरिएबल वहां चुपचाप बैठा होता है ऐसे, और जैसे उसको दिक्कत नजर आती है, हमको दिक्कत लगती तुरंत बाहर आ जाता है। मतलब मेरी बात, जब हम एज्यूम करते हैं तो वो एज्यूमशन जो आप नंबर एज्यूम कर रहे होते हैं वो कभी भी वो वेरिएबल कॉन्स्टेंट था ही नहीं। माना लोगों की संख्या 10 है, 10 कॉन्स्टेंट नहीं है, 10x है वो, या तो आप उसको 10 वेरिएबल समझो, नहीं तो आप 10 कॉन्स्टेंट कैसे मान सकते हो, बाद में चेंज हो जाता वो। तो एग्जैक्टली उसके साथ वेरिएबल छुपा होता है, और नॉर्मली अगर आप आगे चैप्टर से उसको रिलेट करें तो एग्जैक्टली वो रेशियो है, और आप रेशियो में खेल रहे होते हैं। अभी हम आगे आपको क्वेश्चन कराएंगे, बात करें, जैसे मुझे राम की आय श्याम से दुगनी है तो 1:2, लेकिन अगर कह रहे राम की आय श्याम के दुगने से 2 रुपए अधिक है, तुरंत आपको नहीं वो तो एक्स को दिक्कत महसूस हो रही, बाहर आएगा एक्स 2x+2, क्योंकि अब हमारा जो वन हमने एज्यूम किया था दैट वाज वेरिएबल, तो उसमें कॉन्स्टेंट जुड़ नहीं सकता, जैसे एक्स वाई में नहीं जुड़ सकता, एक्स में 10 जुड़ नहीं सकता, एक्स प्लस 10 ही लिखना पड़ेगा, इसलिए वहां पर वो वेरिएबल होता है। और जब उसे प्रॉब्लम होती किस तरह की, एडिशन अलाउड नहीं है, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन ही अलाउड है, क्योंकि उससे रेशियो मेंटेन होता है। जिस बात के लिए रेशियो को प्रॉब्लम नहीं है उस बात के लिए आपको इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, जहां रेशियो को प्रॉब्लम महसूस हुई वहां पर आप जो पहले लटकी थी इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे राम के सामने दुनी 1:2 रेशियो, दुन की आय को दुगना कर दिया गया तो 2:4, ठीक ऐसे करते हुए। लेकिन अगर कहें राम की आय श्याम से दुगनी है तो 1:2, लेकिन राम की आय 10 रुपए बढ़ गई तो तुरंत एक्स बाहर आ गया, क्योंकि अब वो जुड़ नहीं सकता उसमें, क्लियर है? और ये बात आप ऑलरेडी करते रहे हो, इन चीजों के साथ आप ऑलरेडी काम करते रहे हो, इसके लिए कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं, तो अटेंटिव आप इसके लिए ऑलरेडी हो, थोड़ा ध्यान देने की और जरूरत। यहां कंटिन्यू करते हैं, यहां नंबर हमें एज्यूम करना है, हमें पता है कि जब हम 5/13 से गुणा करेंगे 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब हम नंबर को 5/13 से भाग देंगे तो नंबर को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो लेट करते हैं नंबर इक्वल टू 65, मतलब कुल मिलाकर लॉजिक इतना सा कि नंबर हम ऐसा एज्यूम करेंगे जो फ्रैक्शन से बचा पाए हमें। फ्रैक्शन में कैलकुलेशन हमें बड़ी कठिन लगती, पूरा फ्रैक्शन ही तो करते रह दिया। अगर मान लो 10+2 करना हो तो 12 आता है, 1/10+1/2 करना हो टफ हो गया। फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना टफ होता है, इस वजह से हम कुछ भी करके प्रयास करेंगे कि हम कैलकुलेशन से बच पाए। हम ऐसा नंबर मानेंगे जिसको आसानी से हम 5/13 भी कर सकें और गुणा भी कर सकें, भाग भी कर सकें। तो उसने बोला किसका 5/13 से गुणा करने के लिए कहा गया 25, उसने 5/13 से भाग दे दिया 169। अब देखना ध्यान से, इनका डिफरेंस 144 यूनिट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 864। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब 65 माना था तो डिफरेंस 144 आया, और हमको डिफरेंस कितना चाहिए, तो यूनिटरी मेथड के 3 स्टेप बनेंगे कि जब 144 का डिफरेंस है तो नंबर 65 था। मैं लिखता हूं इधर, ये नोट तो करना है, आई थिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर लेना। यहां आ जाओ, हम इसको अगर यूनिटरी मेथड में बता कैसे करते कि जब 65, जब हमारा 144 का डिफरेंस है तब संख्या 65 थी, अगर एक का डिफरेंस होता तो संख्या होती 65/144, और हमें डिफरेंस कितने का चाहिए 864, तो संख्या होगी 65/144 × 864। नहीं है ऐसे तो करते यूनिटी मेथड में कि जब हमने 65 माना तो 144 का अंतर आया, तो
तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 144 का अंतर आया, संख्या 65 थी, एक का अंतर होगा, संख्या 65 बटे 144 होगी, हमें 864 का अंतर चाहिए, तो ऐसे तो करते हैं यूनिटी मेथड। तो यूनिटी मेथड के ये तीन स्टेप बहुत टफ हो जाते हैं, तो हम इनको क्या कर ले कि यूनिटी मेथड के ये तीन स्टेप, एक एक नियम के ये तीन स्टेप हमें ना लिखने पड़े, एक एक नियम के ये तीन स्टेप हमें ना लिखने पड़े। तो बड़ा सरलता देखिएगा, ठीक, यही लास्ट वाला स्टेप आना चाहिए। ये पूछा गया है और ये बताया गया है, जो पूछा जाए बताया जाए इनटू वैल्यू और आपका बात खत्म, इतना सा करना है, ठीक। अब देखो ये दिया गया है, ये पूछा गया है, जो पूछा जाए बताया जाए इनटू आपका और बात हाँ बताइए, हाथ उठाया अभी आपने, हो गया तो बढ़े आगे। जब किसी संख्या को 25% को दूसरी संख्या से घटाए तो दूसरी संख्या घटकर 5/6 हो जाती, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। देखो आंसर क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या का 25% पहले नंबर को आप ए मान लें, दूसरे नंबर को आप बी मान लें। अब आपसे कह रहे कि जब दूसरी संख्या से पहली संख्या का 25% घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर रिजल्ट जो बचता है वो अपने आप का 5/6 हो जाती है। सही है, जब दूसरी संख्या पहली संख्या को हमने ए माना, पहली संख्या को हमने क्या माना ए और दूसरी संख्या को बी, पहली दूसरी संख्या से पहली संख्या का 25% सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिजल्ट में दूसरी संख्या का 5/6 आता है। क्लियर है, अगर इस बात से आप एग्री करते हैं तो थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़े तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, परसेंटेज हटाने नीचे 100 लगाएंगे 25 चौके 100 हो जाएगा। सही है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए अपॉन 100 करेंगे तो हो जाएगा ए बाई 4। समझ में आ रही बात, थोड़ा और ध्यान दे तो आपके सामने बी माइनस ए बाई 4 इक्वल्स टू बी का 5/6। इसको इस तरह ले b माइनस बी का 5/6 बराबर a बाई 4। कॉन्टेस्टली बात करें तो आपके सामने आएगा कितना 1/6 ऑफ b दैट्स इक्वल टू a बाई 4। अगर हम a टू b चाहते हैं तो 4/6 2/3।
हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी भिन्न के अंश हर 2:3 के अनुपात में यदि अंश में 6 घटाया जाए, 6 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो परिणाम भिन्न जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है, भिन्न का अंश ज्ञात करो। हमने लेट किया कि आपका जो फ्रैक्शन है वो 2x और 3x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यूमरेटर है वो आपका 2x है, जो डिनोमिनेटर है वो आपका 3x है। तो अंश और हर का जो अनुपात है वो आपका 2x और 3x है, याद है बात समझ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि अंश से 6 घटाया जाए तो 2x-6, ठीक है, तो हर में तो कुछ किया नहीं, तो बताए जो परिणाम आता है वो भिन्न का 2/3 है। अब ऑफ और का तो समझ ही गए, भिन्न आपकी थी 2x/3x का 2/3, ठीक कट जाएगा 4/3, सॉल्व फॉर x क्रॉस मल्टीप्लाई ना, सॉल के x समान है। तो आपसे कह रहा है कि उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बताओ, अंश मतलब न्यूमरेटर 2×9 दैट इज 6 है। तो अब इसी के आगे डाउट्स फॉर्म में हम लोग अगली क्लास के फ्लो में लगातार डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप समझ गए होंगे इसमें कुछ बेसिक सिखाने लायक नहीं था, समझे मेरी बात, इस टॉपिक में अभी बेसिक सिखाने लायक ऐसा कुछ नहीं, तो जो मैं पहले आपको बेसिक सिखाता, यहाँ पर टॉपिक है उसमें क्वेश्चन है, जो डाउट है वो आपका डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करिए, तैयार करते रहिए, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन पीछे से भी लगाते रहिए ताकि पीछे की चीजें भूलें ना। ओके, गुड टू 12।